एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले, घोड़े पर सर पर दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घेर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाए तो जाए किस तरफ, राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ये लड़के आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब ये सड़क चल नहीं सकती, तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज जाना हो तो आपको ही पड़ेगा। और ये कह के वह खिलखिला के हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब लोग चलते हैं रास्ते नहीं। यह सुन के इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, हा हा हा, नहीं तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन है? बादशाह अकबर ने अपनी अंगूठी निकाल कर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो, मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना, ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। और इस तरह बादशाह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। बाद में दोनों का साथ इतना चला कि इतिहास खूबसूरत किस्सों में रच बस गया। एक समय की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल ठंड के मौसम में तालाब के पास टहल रहे थे कि बीरबल को एक ख्याल आया और उसने बादशाह अकबर से कहा कि पैसों के लिए इंसान किसी भी चुनौती को पूरा कर सकता है। तभी अकबर ने अपनी उंगली तालाब के ठंडे पानी में डाली और कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती सर्दियों के मौसम में इस तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा हो सकता है। दोनों ने सोचा कि चुनौती दी जाए और राजा ने एक दिन ये ऐलान किया कि अगर कोई व्यक्ति पूरी रात तालाब के ठंडे पानी के अंदर छाती तक डूबकर खड़ा रह पाएगा तो उसे 1,000 मोहरों का इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की लेकिन इस चुनौती को पार करना काफी कठिन था। फिर भी एक गरीब ब्राह्मण ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की जरूरत थी। जैसे तैसे करके उसने कांपते ठिठुरते रात निकाल ही ली। रात भर पहरेदार भी उस पर नजर बनाए हुए थे लेकिन उसने चुनौती पूरी की और सुबह बादशाह अकबर के अपना अर्जित इनाम मांगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा कि तुम इतनी सर्द रात में पानी के अंदर कैसे खड़े रह पाए? ब्राह्मण ने कहा, मैं दूर आपके किले के झरोखे पर चल रहे उस दिए का चिंतन कर करके खड़ा रहा जा पना और वह सोचता रहा कि वह दिया मेरे पास ही है।
इस तरह दिए कि लौ ने मुझे ठंड से बचा लिया और रात बीत गई। अकबर ये सुनकर तुरंत इनाम देने से मना कर दिया और ये तर्क दिया कि उसे दिए की गर्मी से तुम पानी में रात भर खड़े रह सके, इसीलिए तुम इनाम के हकदार नहीं। बेचारा ब्राह्मण उदास मन से रोता हुआ चला गया। बीरबल ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्राह्मण के साथ ये अन्याय हुआ है। उसने ब्राह्मण का हक दिलवाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में देखा कि बीरबल मौजूद नहीं है, तो सबसे पूछा। बीरबल तक संदेश पहुंचा तो बीरबल ने भी कहलवा दिया कि जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पकेगी वो नहीं आएंगे। अकबर ने बहुत इंतजार किया और जब रहा नहीं गया तो वो खुद बीरबल के यहाँ पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल ने जानबूझकर खिचड़ी का पात्र आग से काफी ऊंचा लटकाया है। अकबर देख के बोल पड़े, मूर्ख, इतनी ऊपर बंधी हांडी को तपन कैसे मिलेगी? हांडी को नीचे बांध वरना खिचड़ी नहीं पकेगी। बीरबल ने कहा, पकेगी पकेगी, खिचड़ी अवश्य ही पकेगी, आप जरा धैर्य रखें। इस तरह दोपहर से शाम हो गई और अकबर लाल पीले हो गए और गुस्से में बोले, बीरबल तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे समझ नहीं आता? इतनी दूर तक आंच नहीं पहुंचेगी, हांडी नीचे लगा। तब बीरबल ने कहा कि अगर इतनी सी दूरी से अग्नि खिचड़ी नहीं पका सकती तो उस ब्राह्मण को आपके किले के झरोके पर जल रहे दिए से तपन और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुई होगी? यह सुन के अकबर फौरन अपनी गलती समझ जाते हैं और अगले ही दिन गरीब ब्राह्मण को बुलाकर उसे 1000 मोहरे दे देते हैं और दरबार में गलती बताने के बीरबल के इस तरीके की प्रशंसा भी करते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया था। इसीलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, या तो तुम मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो, और दूसरा कि मेरे 100 आसान से सवालों का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद ये कहा, महाराज, मुझे आज अपनी बीवी को शाम को बाजार लेके जाना है, इसीलिए मैं आपके एक मुश्किल सवाल का ही जवाब दे सकता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, ठीक है, तो बताओ मुर्गी पहले आई थी या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया, महाराज, मुर्गी पहले आई थी। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक ही सवाल का जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की इस चतुराई और अकलमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है।
आगरा में एक सेठ रहते थे जिनका नाम लाला करोड़ीमल था। वो बहुत ही लालची और कंजूस थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप मुझे एक स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, मैं खाने की सामग्री लेने जा रही हूँ। लाला ने कहा, अरे भाग्यवान, इतना ज्यादा पैसा सिर्फ खाने पर नहीं खर्च करना चाहिए। तभी घर की रसोई से कुछ टूटने की आवाज आई। दोनों घर के अंदर गए तो देखा कि उनके बेटे घर में घी का घड़ा तोड़ दिया था। लाला जी का गुस्सा आ गया और उसको डांट के घर के बाहर भगा दिया। तभी लाला की पत्नी ने कहा, आप इसके लिए कोई अच्छा सा शिक्षक क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? वैसे भी ये बहुत शरारती हो गया है। लाला ने तुरंत उनकी बात मान ली और अपने दोस्त बीरबल से मिलने उनके घर चले गए। बीरबल से लाला ने मिलके अपनी फरियाद की। तब बीरबल ने उन्हें कहा, मैं एक बहुत ही अच्छे शिक्षक को जानता हूँ, उनका नाम है विनायक और वो आपके बेटे को अच्छी शिक्षा देंगे। अगले ही दिन लाला करोड़ीमल के घर विनायक जी पहुंच गए। लाला ने उनसे कहा, मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और साथ ही आप दिन भर हमारे यहाँ ही रहेंगे, इसीलिए आपको मैं भोजन भी करूंगा। 3 दिन बीत गए। लाला का लड़का बहुत ही आज्ञाकारी और नेक बन गया। एक दिन लाला की पत्नी ने विनायक जी को उनकी दक्षिणा देने के बारे में कहा, आपने विनायक जी को पिछले 3 महीने से दक्षिणा नहीं दी है, ना हमारा बेटा कितना आज्ञाकारी हो गया है। तो लाला ने कहा, कैसे पैसे, उनके भोजन पर जितना खर्चा होता है अगर उसको देखा जाए तो उल्टा विनायक जी को हमने पैसे देने चाहिए। विनायक जी बीरबल से मिलने गए और सारी बात उनको बता दी। कुछ दिनों बाद बीरबल लाला के पास आए। अरे लाला जी, कैसे हैं? आपका बेटा कैसा है? लाला जी ने सब हाल सुनाया और बीरबल ने कहा, आपने विनायक जी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? लाला ने फिर वही बात कही जो अपनी पत्नी से कहा था। बीरबल ने कहा, अच्छा तो मेरे पास एक और शिक्षक है जो आपके बेटे को बेहतर शिक्षा देंगे और किसी भी प्रकार की कोई दक्षिणा या भोजन भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप विनायक जी के पैसे देकर उनको विदा कीजिए। लाला ने ये बात सुनकर फौरन सारी दक्षिणा दे दी। अगले ही दिन बीरबल गौतम बुद्ध की एक मूर्ति लेके लाला के पास आए। लाला ने कहा, अरे ये क्या है? तब बीरबल बोले, यही तो नए शिक्षक हैं। तब लाला ने कहा, अरे ये तो एक मूर्ति है। जी बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे महान शिक्षक की प्रतिमा है जो बिना किसी प्रकार की दक्षिणा के ज्ञान देंगे। तब लाला को बात समझ में आ गई और उन्होंने एक बार फिर से विनायक जी को वापस बुला लिया और उनसे क्षमा भी मांगी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नजर शहजादे पर थी। वहां मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर के इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? तो बीरबल कहते हैं, महाराज शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से
शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है? तो अकबर बोलते हैं, बीरबल तुम्हें कहने का क्या मतलब है, हमारा शहजादा सुंदर नहीं है? बीरबल बोले, नहीं नहीं जहांपनाह, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमारा शहजादा बहुत सुंदर है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर ने कहा, तो क्या हम ये समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है? तो बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर बोले, बीरबल अगर तुम्हारा ये कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आता है। बीरबल राज दरबार में अकेला आता है, ये देख अकबर खुश होके कहते हैं, क्यों बीरबल अकेले आए हो, मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? उस पर बीरबल कहते हैं, जहांपनाह मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहते, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते, मैं उसे दरबार में लेके नहीं आ सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको उस तक लेके जरूर जा सकता हूँ। अकबर ने कहा, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल बोले, यह तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा जहांपनाह। फिर अकबर ने कहा, ठीक है, फिर हम कल सुबह ही उस बच्चे को देखने जाएंगे। अगले ही दिन अकबर और बीरबल उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के खिलौनों के साथ खेल रहा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह उस बच्चे को देखिए, वह रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर उस बच्चे की माँ झोपड़ी से बाहर आई और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कह दिया, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है, अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली कर दूंगी, यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहते ही वह माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल कहते हैं, जहांपनाह अब आपको सब समझ में आ ही गया होगा। अकबर बोले, हाँ अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर बोले, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर बोले, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। तो बच्चों, हमें कहानी से यह सीख मिलती है, कभी किसी चीज को लेके घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो घमंड टूटता जरूर है।